हम इसी स्टाइल बनाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? देखिए मम्मी ने बना ली है चटनी, ये मेरी चल रही है पकोड़े की तैयारी, इधर बन रही है चाय और कैमरामैन राजीव बिष्ट के साथ आप मुझे देख पा रहे हैं। तो गाइस चाय का टाइम हो गया, शाम को ब्लॉग शुरू किया है क्योंकि आपको पता ही है लेट नाइट काम, ये ग्राइंडर की आवाज़। तो चाय पे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। फ्रेंड्स ये हफ्ते पकोड़े एकदम तैयार हैं, अब चलते हैं खाने, चाय के बाद आपसे मिलेंगे। मुझे तो लगता है कि मेरी चाय भी ठंडी होगी होगी, तो उसको गर्म कर लेंगे, खैर उसमें कोई बात नहीं है। ये अपनी चाय गरम गरम, पकौड़े मम्मी खाओ। हेलो फ्रेंड्स, और चाय वगैरह पी चुके हैं और काफ़ी ठंड है, तो अभी तो काम वाम लेकर अपना बैठ गए। और इधर आपको दिखाते हैं, ये मम्मी बैठ गई हैं पूजा करने, ये डुग्गू बैठा हुआ है, ये पूजा की तैयारी। और ये हमारा भूजियन। भूजियन यहाँ क्यों बैठे हो? क्या हुआ बेटा? हेलो करोगे? हेलो करोगे? करोगे? कर लो प्लीज़। पर मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं भाई, गंदा बच्चा। ये डुग्गू है, डुग्गू मेरी डुग्गी ओली कूची। तो गाइस अभी शुरू कर रहे हैं अपना काम, थोड़ा सा ऑफिस का काम वगैरह देख लेते हैं यार, क्योंकि फिर बीच बीच में अपना रिकॉर्ड करते रहेंगे। अभी खाने वगैरह की तैयारी करनी है, आज निर्मला छुट्टी पे है, वो नहीं आएगी, इसीलिए जो है खाना हम ही लोग मिलके बनाएंगे। तो अभी जो है देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या बनना है, फिर आपसे रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। भैया आपको वो तो लेना चाहिए, एक्सपीरियंस कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स ये चल रही है अपने खाने की तैयारी, ये राइस भिगा के रखे हुए हैं, ये आलू प्याज, ये अपने टमाटर, ये कट करके अभी जा रहे हैं खाने की तैयारी करने, क्योंकि निर्मला नहीं आ रही है, तो थोड़ा सिंपल सा ही बनाएंगे जिसमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे और जल्दी से बन भी जाए। तो हम बनाने जा रहे हैं पुलाव, वेज पुलाव, और क्या बोलते हैं, बस जा रहे वेज पुलाव बनाएंगे। और जो है चटनी ऑलरेडी शाम में बनाई हुई थी मम्मी ने, पकोड़े के टाइम पे ही बना ली थी, तो तैयारी करते हैं और आपको दिखाते हैं। काट रहे हैं हम प्याज, क्योंकि हमें पुलाव बनाने काम वाली नहीं आती है ना, तो हमें खाना बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उस टाइम, तो हम लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, जो सबसे इजी डिश है वो बनाते हैं। तो हम भी आज यही करने वाले हैं, सबसे इजी डिश बनाने वाले हैं, जो कि पुलाव, जिसके लिए चटनी मम्मी ने शाम में ही बना ली थी, और हम लोग अब बनाने जा रहे हैं। ये मम्मी ने मटर छील के रख दी है ऑलरेडी, अब जितना डालना है उतना यूज़ करके बाकी सब जाएगा फिर इसके अंदर। ये मैं प्याज काट ले रही हूँ, अभी हरी मिर्च और आलू भी कट करने, तो ये सब होने के बाद अभी तुरंत नहीं बनाएंगे, बस तैयारी करके रख देंगे, और इसके बाद आपको भूजो और डुगू से मिलवाएंगे और थोड़े मज़े भी करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा काम कम है, क्रिसमस वीक है जैसा कि मैंने आपसे बोला ही था, तो कोई ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, मज़े में अपना जो है वीक गुजरेगा। और इस वीक बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो एक भी व्लॉग मिस मत करेगा, ज़रूर सारे देखिएगा, क्योंकि इस बार के व्लॉग थोड़े से डिफरेंट होंगे, अच्छे होंगे, फैमिली व्लॉग्स ही होंगे लेकिन थोड़े डिफरेंट होंगे। ये भूजो आ गया, भूजो इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ भूजो बीच बीच में ऐसे ही अपनी एंट्री मारता रहता है, क्योंकि उसको रहता है कि आ करके मतलब मुझे खिलाओ, मैं खेलूंगा, तो वो लेकर के आया था अपना खिलौना, अभी थोड़ी देर बाद फिर आएगा। भूजो भूजो चिकन 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 चिकन, ये चिकन है? नहीं भाई ये चिकन थोड़ी है, ये तो प्याज है, देखो ये तो प्याज, ये चिकन नहीं है, ये नहीं है चिकन, चिकन
जानता है। आओ चलो, आओ चलो, चलो 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 चलो। ये ग्रीन चिली लेंगे, ये पेड़ की है, ऊपर गमले में जो लगी है उसकी है। तो ये जब बहुत ज्यादा रेड वगैरह हो गई थी ना, मम्मी ने इनको तोड़ लिया था। कुछ ग्रीन भी है ना, ज्यादातर वो चिकन 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 बोल के दूसरा भी आ गया उसको। नहीं आज चिकन नहीं, चिकन अभी रोटी के टाइम खाएंगे। जब रोटी मिलेगी ना, रोटी के साथ खाएंगे चिकन। आप थोड़ी खाते हो अभी। ये हरी मिर्च है बेटा, ये देखो ग्रीन मिर्च है। ये नहीं आलू छील रहे हैं। कैसा सा आलू है, छीलना भी नहीं पड़ रहा है, अपने आप इसकी पील हो जा रहा है। देखिएगा ऐसे अपने आप, मतलब उसको छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही निकल जाता है। शायद ये वो वाला आलू है जो होता नहीं है, जिसको धो दो तो उसकी पूरी स्किन निकल जाती है, शायद वो वाला आलू है। कुछ करना नहीं पड़ा और अपने आप ही ऐसा हो गया। मम्मी अचार का वीडियो देख रही हैं, शायद हमारे घर में कुछ नया अचार बनने वाला है। लास्ट टाइम समर्स पे मम्मी ने आम का अचार बनाया था और बहुत सारा बनाया था। इस बार कुछ नया अचार बनने वाला है, क्या होगा वो तो हम बाद में आपको बताएंगे। क्योंकि वेज पुलाव बन रहा है तो हम इसको बहुत ज़्यादा मीडियम ही कट करेंगे। आप भी खेलो ना। ये सब कटिंग वगैरह चॉपिंग वगैरह करके रख लेते हैं, इसके बाद डुग्गू और भुजो की रोटी बनाएंगे और उसके बाद इन लोगों से आपको अच्छे से मिलवाएंगे। इनके साथ थोड़ा सा खेलेंगे भी, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि थोड़ा काम लाइट है इसलिए बहुत ज़्यादा काम है नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे कि थोड़ा टाइम इन लोग के साथ भी स्पेंड कर लेंगे। आज कल बहुत काम था इसलिए बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया था खेलना कूदना, बट आज ऐसा नहीं है, आज हो जाएगा। तो अभी हम टमाटर, ये लास्ट स्टेप नहीं है गाइस, इसके बाद हमें धनिया भी थोड़ा सा काटना है पतला पतला। वो खैर लास्ट में भी काट सकते हैं, अभी नहीं है, क्योंकि वो तो बनने के बाद लास्ट में गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होता है। और ये जब से चिकन भूला है ये यहीं बैठा है, ये सोच रहा है ऐसे चिकन मिलेगा। डुग्गू चिकन, अब चिकन ढूंढेगा, वो बैठ गया। ओले चिकन चाहिए, आपको चिकन खाना है। ये आ गए चिकन के नाम पे। हाँ चिकन बॉय इसके साथ वाला रील भी बनाना है मुझे। चिकन विंग वेगी टेल। काफ़ी खाने में भी देर है तो हम लोग ने सोचा एक एक कप कॉफ़ी आ जाए। ये मम्मी की कॉफ़ी छोटे से कप में, ये मेरी कॉफ़ी। और ये चल रही है मूंगफली के छिलके हैं खैर, ये तो ये मूंगफली साथ में लेके बैठे हैं हम लोग। और मैं पारे भी ले आई थी तो अभी हम लोग कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अब जब हस्बैंड आएंगे तभी गरम गरम, क्योंकि वेज पुलाव बनना है तो तभी उसी टाइम बनाएंगे, क्योंकि वो फिर ठंडा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता है। डुग्गू भुजो की रोटियाँ बन चुकी हैं बट ये दोनों अभी ऐसे बहुत ही भयंकर तरीके से सो रहे हैं तो अब कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और जब डिनर बनाने जाएंगे तब आप लोग से मिलते हैं। ठीक है, बाय। मम्मी ऐसे करो, ऐसे नहीं, यहाँ। गाइस हम बनाने जा रहे हैं अभी खाना अपना, क्योंकि देर हो गई है यार, काफ़ी देर हो गई, मतलब जितना सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा देर हो गई। इसको ऐसे रख लेंगे यहाँ पर ऐसे बनाने के लिए, मतलब ना ये, अरे यार क्या मतलब क्या एंगल आ रहा है, आप सही करने जा रहे हैं।
काम करने चलो ना, गड़बड़ जरूर होती है, बिना गड़बड़ के तो कुछ नहीं होता। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी इसमें ना अनियन और अनियन, ग्रीन चिली और छोटे छोटे मैंने पोटैटोस कट किए होते वो मैंने डाल दिया है। हम इसी स्टाइल बनाते हैं, हम ऐसे इसलिए बनाते हैं ना क्योंकि जो आलू होता है ना वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा मोटा कटा हुआ है, छोटा है तो वो तो ठीक है, बट वो कभी 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 कच्चा रह जाता है, तो इसमें थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो और अच्छा टेस्ट देगा, कलर भी थोड़ा सा उससे फ्राई होकर वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है, वो बहुत सही रहता है। तो उसके लिए इसको अभी मैं दिखाती हूँ कैसे ये अभी हो रहा है, आप देखेंगे अगर तो। अपने टमाटर इसमें टमाटर डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, थोड़ा सा ना गल जाए। देखेंगे तो मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए हैं, बहुत अच्छा कलर आ रहा है यार, लगता है टेस्ट में भी बहुत अच्छा होगा। सिंपल से घर के स्पाइसेस ऐड के, कुछ बाहर का कुछ भी ऐड नहीं किया है इसमें, नॉर्मल सा अपना डला है हल्दी, धनिया, रेड चिली पाउडर और अमचूर पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट, दैट्स इट। उसके आगे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं किया है। नाउ वी विल ऐड वाटर एज पर रिक्वायर्ड, वरना राइस ज़्यादा बन जाएंगे, मतलब ज़्यादा वो हो जाएंगे, पक जाएंगे और हलवा जैसा हो जाएगा, बट हमें तो चाहिए पुलाव। सो वॉट वील डू, वील एड वाटर एज पर रिक्वायर्ड। और हाँ, नमक भी टेस्ट करना है क्योंकि हर बार ज़्यादा कम हो जाता है मेरे साथ में। मैंने टेस्ट किया गाइस, कम था, मेरे साथ ऐसा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, हम बना रहे हैं, कुछ गलती तो होगी ना, बिना गलती के तो खाना बनता नहीं है, या कुछ गिर जाएगा या हाथ जल जाएगा या कुछ कुछ भी बना रहे हो या तो गिर जाएगा या मेरा हाथ जल जाएगा और या नमक कम हो जाएगा या खाना जल जाएगा। वैसे ऐसा बहुत कम हुआ है कि खाना जला है, बट यार हो जाए तो क्या कर सकते हैं ना, तो भैया ठीक है। इस पे सीटी लगाने जा रहे हैं, अब इसको बंद कर ढक के रखते हैं और आपसे खाने पे मिलते हैं सीधे, ठीक है। अपना ढक्कन लगने जा रहा है, पराठे। इस कल हम लोग ने कबाब पराठे बनाए थे तो उसमें से चार पीस कबाब बचे हुए थे, तो मैंने वो अभी जाके बनाए और थोड़े सा एक मतलब एक दो पराठे भी बना लिए कि पुलाव है यार, पुलाव में फिर ऐसे ही लगेगा, पुलाव बस पुलाव तो फिर उसके लिए तो इसलिए ये भी बना लिया, थोड़ा थोड़ा ये भी खा लेंगे। मम्मी ने तो साफ बोल दिया कि मैं सिर्फ पुलाव खाऊंगी, मुझे कबाब पराठे नहीं खाने, बट मैं और मेरे हस्बैंड खा लेंगे, हम दोनों खाएंगे, हम लोग को अच्छा लगता है। ये खाना मेरे हस्बैंड का है, मम्मी को दे चुके हैं, जा रहे हैं। हेलो गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं और बाहर का ये जो नज़ारा है ना वो आपको दिखाती हूँ। अभी अभी काम वगैरह ख़त्म करके थोड़ा फ्री हुए थे और थोड़ा सा टीवी भी देखने लगे थे, तो अभी अभी लैपटॉप वगैरह सब बंद करके रखे हैं और बाहर आए तो देखा, इट वॉज वाओ, तो मैंने कहा यार रिकॉर्ड करते हैं, आपको दिखाते हैं। भाई साहब, मतलब क्या बात है, पूरा कोरा कोरा, मतलब अगर यहाँ से ऐसे चल करके आओ तो एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। कितना सही लग रहा है, ये सुबह के 6 बज रहे हैं। आपने देखा कितना अच्छा व्यू है ना,
और इसी के साथ व्लॉग को एंड भी करेंगे, क्योंकि मैंने उस टाइम इसलिए नहीं किया था यार, काम बहुत था, टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने सोचा अब करते हैं। तो अभी व्लॉग को एंड करेंगे, ये व्लॉग कल अपलोड हो जाएगा। हाँ, और हाँ, तो ये व्लॉग कल अपलोड हो जाएगा, इसको ज़रूर देखिएगा, एंजॉय करिएगा। को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ओके, बाद में मिलते हैं अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।